एवरीवन, वेलकम टू द रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी क्यूटी पाई स्टोरी टेलर अनन्या आगे जी गरिमा और प्रियंका की ये नोक झोंक प्यार भरी लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि प्रियंका सीमा के सामने फंस जाती है गरिमा का नाम लेके। अब आके प्रियंका से पूछती है, यार तेरे जिंदगी में चल क्या रहा है यार? तो पहले तो मैं इसे सबसे शेयर करती थी, बट अब तो तू अपने में ही रहने लगी है, मुझसे तो बात भी कम करती है। तो प्रियंका बोलती है, ऐसा भी कुछ नहीं है, तू तो अब भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो सीमा बोलती, लग तो नहीं रहा मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो प्रियंका बोलते, यार तू ऐसे क्यों बोल रही है? तो सीमा बोलती है, तो क्या ये खुद में बड़बड़ाती रहती है, ऐसे घबराती रहती है, कभी नर्वस होती रहती है, कभी गुस्सा होती रहती है, और मुझे किसी बात तो शेयर ही नहीं करती। तो प्रियंका अगर सीमा की ये बात सुन के एकदम वो थोड़ी सी ऐसे अनकम्फर्टेबल होने लगती है और खुद ही से बड़बड़ाती है, यार जब मुझे खुद को ही पता नहीं चल रहा कि मुझे क्या हो रहा है, मैं तुझे क्या एक्सप्लेन करूँ? अगर ये बात तुझे पता चली तो इकलौती दोस्त है मेरा, मैं तुम्हें खो ना दूँ, ऐसे बोल रही होती है अपने दिमाग में ही। और ये जो होता है ना, मतलब ये जो बात होती है लास्ट वाली लाइन, इकलौती फ्रेंड है मैं तुम्हारी, तो मैं तुम्हें खो ना दूँ, ये बात ना उसके मुँह से निकल जाती है। तो सीमा बोलती है, क्या तू मुझे खो देगी? बट ऐसा क्यों, ऐसी क्या बात है जो मैं तुझे जानूँ, जान ली तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी? तो प्रियंका बोलती है, क्या? तो सीमा बोलती है, ऐसी क्या बात है जो मैं जान लूंगी तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी? तो प्रियंका बोलती है, मैंने ऐसा कुछ बोला तुमको? तो सीमा बोलती है, हाँ तुमने ही ऐसा बोला। तो प्रियंका बोलती है, अरे नहीं, वो तो मैं ऐसे ऐसे ही सोच रही थी कि मैं जो तुझे छुपा छुपा के, मैं इतनी ज्यादा जो पढ़ाई कर रही थी ना, मैं परसेंटेज देखे तेरा तेरा कहीं कहीं तू मेरे से दोस्ती ना तोड़ दे, हम दोनों अलग कॉलेज में ना चले जाए। तो सीमा बोलती, तू पागल है क्या प्रियंका? तू कुछ भी सोच रही है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तू मेरी दोस्त है और तू अच्छी मार्क्स से पास होगी तो मेरे को खुशी होगी, मैं कोई उससे जलसी फील या कुछ और क्यों होगा? मैं तुझसे इतनी सी बात के लिए क्यों मैं दोस्ती तोड़ दूँ? प्रियंका बोलती, हाँ वो भी है, वो आई एम सॉरी, चल ना टीचर आके यार पढ़ाई कर, टीचर अगर देख लेगी ना हम दोनों को ऐसे तो हमारी सच्ची में कुटास लगा देगी, ऐसे बोल के उसी माँ को टाल देती है। पर दिल ही दिल में सोचती है, यार मैं तुझे अपनी सारी फीलिंग्स बताना चाहती हूँ, बट मैं क्या करूँ, मेरी फीलिंग्स ही ऐसी है कि मैं चाह के भी उसको तेरे साथ मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मैं करना चाहती हूँ, मैं सबको बताना चाहती हूँ, मैं खुद गरिमा को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, बट मुझे डर लग रहा है यार, मेरी 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 फीलिंग्स किसी को पता चली तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या होगा? ऐसे सोच के वो थोड़ी सी सैड हो जाती है। दूसरी तरफ गरिमा वॉशरूम से अपने क्लास जाती है और एक तो बहुत अच्छे मूड में होती है, उसके फेस से ना स्माइल जा ही नहीं रही होती है, और बार बार अपने लिप्स को ना ऐसे देख रही होती है, और जो प्रियंका की जो बाइट की होती है ना, जो हल्की हल्की दर्द, उसको ना वो अपने लिप्स को खुद से सक कर रही होती है, और प्रियंका की वो बाइट को वो याद कर रही होती है, एकदम बहुत ज़्यादा खुश होती है। निकी उसको ऐसा देख के कुछ नहीं बोलती, और ये दोनों क्लास करने लगते हैं। ऐसे ही क्लास होने के बाद ना छुट्टी हो जाती है और सबको जैसे जाने लगते हैं ना, तो प्रियंका की क्लास के बाहर ना गरिमा वेट की होती है और वो प्रियंका को देख रही होती है, सारे बच्चे एक एक करके निकल रहे होते हैं। हमेशा की तरह हमारी प्रियंका सीमा के साथ एकदम आखिरी में निकलती है, और जैसे वो निकल रही होती है ना, वो अपने अपने क्लास के सामने गरिमा को देख के अचानक से घबरा जाती है, और जोरों से ना वो सीमा का हाथ पकड़ के ना उसके पीछे छुपने की कोशिश करती है। उसकी ऐसी हरकत है कि ना सीमा बोलती, क्या क्या हो गया तेरे को, क्यों किससे डर रही है तू? ऐसे बोल के सामने देखती है तो देखती है कि गरिमा खड़ी होकर एकदम स्माइल दे रही है। तो गरिमा को देख के सीमा बोलती, अरे तुम्हारी तुम्हारी और प्रियंका की कोई लड़ाई हुई है क्या? तुमको देख के प्रियंका ऐसे छुप रही है? तो फिर एकदम गरिमा उसकी बातों का मजा लेते हुए बोलती, अच्छा प्रियंका मुझसे छुप रही है, अच्छा प्रियंका तुम मुझसे छुप रही हो, बट क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ? तो प्रियंका बोलती है, मैं एकदम उसके सामने आती है और बोलते हैं, मैं क्यों तुमसे छुपूँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं छुप रही हूँ तुमसे, मैं नहीं डरती तुमसे, ऐसे बोलकर जाने लगती है। तो गरिमा बोलती है, मैंने तो बोला ही नहीं तुम मुझसे डरो बोल के, तो तुम क्यों डर रही हो? तो सीमा बोलती है, अरे हाँ प्रियंका तुम इतना क्यों वियर्ड बिहेव कर रही हो यार, अभी तक तो नॉर्मल थी, अभी गरिमा को देख के इतना वियर्ड बिहेव कर रही हो, ऐसे कोई करता है? हम लोग फ्रेंड्स हैं ना। उतने में पीछे से ना निकी पता नहीं कहाँ होती है और आ जाती है और गरिमा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, अरे यार चल ना, हम ना मैं ना मेरा ना आज बहुत मन है पानी पूरी खाने का, तो चल ना हम चलते हैं, प्रियंका आ जाएगी ना, बस मैं बात कर लेना। उससे बोल के से खींचते हुए उसका हाथ पकड़ के ना उसको खींचते हुए ले जाती है। तो जैसे ये प्रियंका ये देखती ना,
उसका जो ऑकवर्डनेस ना एकदम गुस्से में बदलने लगती है, और ये जिसने गरिमा नोटिस कर लेती है, और वो जानबूझ के ना निकी के साथ चली जाती है। अरे अरे मेरा भी मन है पानी पूरी खाने का, चल चल चल, ऐसे बोल के वो वहां से चली जाती है। तो ये लोग जैसे चले जाते हैं ना, प्रियंका का तो गुस्सा ना सातवें आसमान पे चढ़ जाता है। एक तो निकी और गरिमा की नज़दीकी वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रही होती, क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है कि निकी भी गरिमा को लाइक करती है, और उसके जब देखो पीछे पड़ रही होती है, वो एकदम गुस्से में पैर पकड़ती है और बोलती है इस निकी की प्रॉब्लम क्या है। हाँ जब देखो गरिमा के पीछे पड़ी रहती है, जब देखो उसका हाथ पकड़ती है, जब देखो वो इसकी तो मैं सर फोड़ दूंगी, ऐसे उसको एकदम गुस्से में बोल देती है। और ये बात ना सीमा सुन लेती है, तो सीमा बोलती है वो हेलो तो क्यों निकी का सर फोड़ेगी, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, वो चाहे हाथ पकड़े पैर पकड़े हक करे तुझे क्या। तो प्रियंका बोलती है मुझे कैसे कुछ नहीं, गरिमा को मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता, उस पर सिर्फ मेरा हक है, ऐसे बोल के एकदम गुस्से में देखती है उस जो तरफ जा रहे होते गरिमा और प्रियंका। तो निकी बोलती है वो ये क्या था, गरिमा पे बस तेरा हक है, तू सच सच बोल प्रियंका, तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है, आई थिंक समथिंग फिशी यार। तो प्रियंका ये चीज सुन के एकदम घबरा जाती, बोलती क्या क्या मैंने क्या बोला, हमें हमारे हमारे तू कुछ भी बोल रही, हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा है। सीमा बोलती वो वेट अ मिनट, तू ना मुझसे अब तो झूठ मत बोल, तो सच सच बता तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। तो अभी निकी और गरिमा की नजदीकी उसे जलस हो रही है, निकी की शर फोड़ने वाली बात कर रही है, और तो मुझे बोली है तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। तो प्रियंका बोलती है मैंने ऐसा बोला, मैंने कब बोला ऐसा, मैं गलती से बोलती थी, एक्चुअली ना मुझे मुझे भी पानी पूरी खानी है, और मेरे को ऐसा फील होता है गरिमा मेरे साथ खानी चाहिए, वो निकी के साथ क्यों खाएगी, चल ना हम भी खाते हैं, ऐसे बोलकर उसका हाथ पकड़ के आगे जाने लगती है। तो सीमा उसका हाथ पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है वो हेलो मैडम मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुमको बचपन से जानती हूँ, अब तुम मुझसे बात छुपाएगी। तो प्रियंका बोलती है मैं क्या बात छुपा रही हूँ यार तुझसे, मैं कोई बात नहीं छुपा रही हूँ तुझे, चल ना हम चलते हैं, वो लोग चले गए थे। तो नसीमा ना एकदम हाथ पकड़ लेती है और उसको पीछे रोक लेती है और बोलती है देख अगर तू मुझसे सच नहीं बोली ना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो प्रियंका बोलती है क्या सच बोलना है तुझे, कोई सच नहीं है, चल यहाँ से। तो निकी तो सीमा ऐसे प्रियंका की तरफ घूर के देखती है और बोलती है बच्चू मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो चाहे मुझसे कितनी भी बात छुपा ले बट तुम इसे छुपा नहीं पाएगी, तुम दोनों के बीच में कुछ है ना। तो सीमा को देख के प्रियंका एकदम इधर उधर देखने लगती है और बोलती है तो क्या बोल रही है। तो सीमा बोलती है डू यू लाइक हर, तो प्रियंका सुन के एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है तू 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 ये क्या 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 बोल रही है, वो भी एक लड़की है और मैं भी एक लड़की हूँ, और दो 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 लड़के एक दूसरे को कैसे कैसे लाइक कर सकते, तू तो कैसे उत्पटांग बातें बोल रही है, तेरे कहाँ से आती है यार तेरे को ऐसी ऐसी बुद्धि। तो सीमा बोलती है वो हेलो मैंने बस बोला डू यू लाइक है, वो लड़की है तो क्या लाइक नहीं कर सकती, लाइक ऐसे फ्रेंड कर सकती है, लाइक ऐसे बहन कर सकती है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, बट तू जो बोल रही है ना उस हिसाब से लग तो रहा है समथिंग इज फिशी, यू आर इन लव विद करीमा। हाय कितनी औसम बात है, सच सच में बोल रहा है तू, तो उसको लाइक करती है। तो प्रियंका ये चीज़ सुन के ना घबरा जाती है, बोलती है ऐसे ऐसे कुछ नहीं है, मैं स्ट्रेट हूँ, लाइक अंकुश ना, तू करीमा का नाम कैसे ले सकती है, तू मेरी दोस्त है, तुझे तो पता है मैं स्ट्रेट हूँ। तो सीमा बोलती अच्छा बेटू तू ना मुझसे ना मत छुपा, तू करीमा को लाइक करती है और तेरे शक्ल से ये बात पता चल रही है, स्कूल यार आई है हम 21st सेंचुरी में, तू क्या लड़का लड़की ये बात को पकड़ रखी है, प्यार तो प्यार होता है यार, जेंडर मैटर नहीं करता, तो अगर उससे लाइक भी करती है तो क्या हो गया। तो ये बात सुन के ना प्रियंका एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है आर यू श्योर ये तू बोल रही है, यानी कि तुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं अगर लेस्बियन हूँ अगर कुछ और हूँ। तो सीमा बोलती है नो इट्स कूल, तू किसी से प्यार करती तो उसमें मुझे क्या दिक्कत होगा, इनफैक्ट मुझे भी किसी से प्यार होगा तो वो मेरी चॉइस होगी, उसमें किसी और को क्या प्रॉब्लम होगा। तो प्रियंका बोलती तू सच बोल रही है, तो गरिमा बोलती है इसमें सच क्या बोल, क्या तू सच में लाइक करती है प्रियंका को। तो गरिमा को तो प्रियंका ना इधर उधर देखने लगती है और नजरें चुराने लगती है, तो सीमा समझ जाती है, बोलती है वो माय गॉड तू सच में यार, तुम दोनों ऐसे साथ में तो बड़े सही लगते हो, तुम रियल कपल से
रियल कपल? वो यार, तुम दोनों कब से रिलेशनशिप में हो यार? ये सुहास में तो मिठाई बटने चाहिए, फिर हाउसमेट होनी चाहिए। तुम दोनों कितने औसम लगते हो यार साथ में। तो प्रियंका एकदम उसे बोलती, शांत 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 मेरी माँ, शांत, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू पूरी को स्कूल को सुनाएगी क्या? तो मैं बोलती है, यार पूरी स्कूल छूट गई है, तू नोटिस नहीं कर रही है? पूरे स्कूल में हम दोनों ही बस है जो स्कूल से बाहर नहीं निकले। तो प्रियंका बोलती है, तो फिर भी शांत हो जा, मेरी माँ पूरी स्कूल को सुनाएंगी क्या? तो सीमा बोलती है, यार उसमें छुपाने वाली बात है क्या है? इट्स स्कूल ना तो लाइक करती है किसी से, तो ये तो सेलिब्रेशन वाली बात है, मेरे बेस्ट फ्रेंड को प्यार हुआ है और मैं तो सबको बोलूंगी। तो प्रियंका उसके मुंह पे हाथ रख देती है और बोलती है, मेरी माँ चुप, मेरी इज्जत की क्या तो धजिया उड़ाने वाली है क्या? सबको बोल के क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे के, मैं लड़की हो के लड़की से चाहिए? तो प्रियंका को ऐसे सीमा एकदम घूर के देखती है और बोलती है, तूने अब क्या बोला? तो प्रियंका बोलती है, मैं लड़की हो के लड़की को प्यार करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे? तो सीमा बोलती है, क्या तू उससे प्यार करती है और तुझे खुद की फीलिंग्स पे शर्म है? तू तू मतलब तू चाहती क्या है बहन? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुझे उससे प्यार है बट तेरी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने में तुझे दिक्कत हो रही है। तो प्रियंका बोलती है, यार ऐसी बात नहीं आई लाइक हर, बट मैं उसके साथ नहीं हो सकती, लोग क्या सोचेंगे? तो सीमा बोलती है, भाड़ में जाए लोग, लोगों से देखो प्यार है कि उससे प्यार है, और लोग क्या सोचेंगे? ये अगर तू सोचेगी तो लोग क्या सोचेंगे बहन? चिल करना, इतना क्यों सोच रही है? तो प्रियंका सीमा को बोलती है, तू नहीं समझती, अगर तेरे साथ होता ना तू समझती। तो सीमा बोलती है, देख प्यार ना किसी के बोलने से नहीं होता, मुझे अगर किसी लड़की के साथ होना होगा तो हो जाएगा, अगर मुझे उस लाइक लड़की कोई मिलेगी, अगर किसी लड़के से होना होगा हो जाएगा। दैट्स मीन इन नॉट के लोगों के हिसाब से मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करूँ, लोगों के हिसाब से मैं खुद को जज करूँ। ठीक है, आई लव सम गर्ल, तो ठीक है, मैं मुझे अपनी फीलिंग्स से एक्सेप्ट है बहन, जब तक तू अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी ना, तब तक ना तू कभी उससे प्यार नहीं कर पाएगी। और गरिमा का वर्ड्स अबाउट गरिमा, वो भी तो उससे प्यार करती है, बता ना तुम दोनों कब से रिलेशनशिप में हो? तो प्रियंका बोलती है, वेट ऑन बहन, वेट ऑन, तेरी एक्सप्रेस गाड़ी को ना इतना आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला और मुझे नहीं पता वो किससे प्यार करती है। हाँ बट आई नो कि वो किसी लड़की को लाइक करती है। तो सीमा ये सुन के बोलती है, वाओ डूड, तुम दोनों उसको भी लड़कियां पसंद है और किसी को लाइक करती है, तो यार ऑफ कोर्स वो तुझे ही लाइक करती होगी। और तू 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 डम है क्या? दिखता नहीं है क्या वो तेरे लिए कितनी ज्यादा पॉजिटिव होती है, कितनी ज्यादा वो होती है? तो प्रियंका बोलती है, अरे उसने बट बोला वो किसी को लाइक करती है और वो उसके लिए पागल है, वो मैं कैसे हो सकती हूँ? तो सीमा बोलती है, अरे डम लड़की, वो तेरे आगे पीछे घूमती है, तेरे लिए हर चीज करती है, तो तुझे ही लाइक कर रही होगी ना, इतनी सी बात समझ नहीं आती? तो प्रियंका बोलती है, अच्छा तो वो मुझे लाइक करती है? तो सीमा बोलती है, ऑफ कोर्स, और तू ना ये जो लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे सोचेगी ना, जिंदगी भर बहन अकेले रह जाएगी। अगर देखो उसके लिए फीलिंग्स है ना, उस फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर, रेस्पेक्ट कर उस फीलिंग्स को, और ना अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर। वो नहीं प्रपोज कर रही है तो तू उसको प्रपोज कर, क्या दिक्कत है इसमें? तो सीमा प्रियंका बोलती है, वो हेलो सीमा, तू सब शायद भूल रही है, मैं ना प्रियंका हूँ, प्रियंका, मैं दूसरों के सपनों की कोई नूँ, ड्रीम गर्ल हूँ मैं, और मैं किसी को प्रपोज करूँ उसको मुझसे प्यार होएगा ना, वो खुद ही प्रपोज करेगी, मैं नहीं आने वाली उसको प्रपोज करने। तो सीमा बोलती है, बहन तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब चल तेरी गर्लफ्रेंड को कोई और उड़ा ले जाए इससे पहले। तो सीमा के पास उनके प्रियंका बोलते थे, अरे हाँ और यार चलो चलो, वैसे भी वो तो मैं वो तो गरिमा के पीछे पड़ी रहती है, मेरे को तो सच में डर लगता है वो ही उड़ानी चाहिए। तो सीमा बोलती है, ओहो कोई तो फाइनली एडमिट किया कि गरिमा उसकी गर्लफ्रेंड है। तो प्रियंका बोलती है, तू भी ना कुछ भी बोल रही, दीवारों के भी कान होते, इतना चिक चिक के बोलने की जरूरत नहीं है, चल वैसे बोल के ना, जैसे स्कूल से बाहर जाते हैं ना, स्कूल के बाहर एक जो पानी पूरी का ठेला लगा होता है ना, गरिमा और निकी ना मजे से खा रहे होते, एक अकेले अकेले खा रहे होते, क्योंकि गरिमा नोटिस कर रही होती कि प्रियंका कब आएगी, कब आएगी, उसको कब जलेसी कराएगी, ऐसे सोच के वो खा रही होती है। बट उसकी नज़र जैसे ही प्रियंका के पड़ती है ना आते हुए, वो अपना लिया हुआ पानी पूरी ना निकी को जानबूझ के खिलाने लगती है, बोलती है, अरे तू मेरा ट्राई करना, तेरा तेरा तो कितना ठीक है, मीठा वाला एक ट्राई करना बहुत अच्छा होएगा, ऐसे बोल के उसको खिला रही होती है। और निकी उसके हाथों से खा के इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है ना, वो भी अपना मज़े मज़े से खा रही होती है अपना साइड में रख के।
तो जैसे ही प्रियंका की नजर पड़ती है ना, वो एकदम तीखी नजरों से, एकदम खा जाने वाली नजरों से वो निक्की और गरिमा को देखती है। तो सीमा बोलती है, वो हो जैसी भी होती है, तेको जेलस होता हुआ देखना बड़ा मजा आ रहा भाई को। तो सीमा बोलती है, भाड़ में जाए जैसी, मैं इस निक्की को ना इनकी को दुनिया से उठा दूंगी। समझती क्या है, मेरी बंदी क्या इतनी पास आने की क्या जरूरत है, और इस गरिमा को क्या अकल वकल नहीं है, मुझसे लाइक करती है ना, तो उस निक्की की इतने क्लोज आने की क्या जरूरत है। देखा तो बोल रही थी ना मुझे लाइक करती, मुझे तो लगता है यही निक्की को लाइक करती है। जैसे बोल के वो एकदम उनके तरफ घूरते हुए देखते हुए चल रही होती। तो सीमा बोलती है, बेटा जी वो तुझे जेलस कर रही है, तुझे समझ नहीं आ रहा। तो प्रियंका ये बात सुन के बोलती, क्या वो मुझे जेलस कर रही है? तो सीमा बोलती, हाँ वो तुझे जेलस कर रही है, तुझे ये बात पता नहीं चल रहा क्या? इतना नौटंकी करके अगर उसको खिलाएगी तो तुझे जेलस करना, ये सब कर रही होगी ना पागल, इतनी सी बात तुझे समझ नहीं आती। तो प्रियंका बोलती, अच्छा बट मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे सच में मन कर रहा है मैं निकी का ना सर फोड़ दूँ। तो सीमा बोलती है, वो तो यही चाहती है तुम के जेलस हो के तुम खुद उसको प्रपोज कर दो। तो प्रियंका बोलती, क्या और तुमको ये सब कैसे पता? तो सीमा बोलती, अरे यार मैंने बॉलीवुड मूवी बहुत सारी देखी है, और इतना तो आइडिया हो ही गया होगा बॉलीवुड मूवी से कि क्या मतलब क्या क्या होता है प्यार, जब होता है कैसे जलस करते हैं, कैसे प्रपोज करवाते हैं। तुम्हारी गरिमा भी शायद बहुत बॉलीवुड मूवी देख रखी है, इसीलिए वो ही सेम कर रही है। वो सामने देखती है ना, तो गरिमा वैसे ही एकदम एक्स्ट्रा नोटी नौटंकी के साथ वो निकी को खिला रही होती है। तो प्रियंका और सीमा उसके पास आते हैं, और सीमा चुप के प्रियंका सबके से सीमा के कान में बोलती है कि अच्छा ये मेरे को जलस कर रही है ना, अब मैं दिखाती हूँ क्या होता है जलस करना, ठीक है? ऐसे बोल के ना वो जैसे ही वो निकी को जैसे पानी पूरी खिलाने जा रही होती है ना गरिमा, उसके हाथों से वो ले लेती है और खुद खा लेती है और बस के तरफ चली जाती है उसको ना एक विलन वाला लुक देख के। तो सीमा बोलती है, वाह यार तेरे नखरे तो एकदम माशाल्लाह माशाल्लाह, एकदम उसको वैसे बोलती है और दोनों बस के तरफ चले जाते हैं, इन दोनों की तरफ बिल्कुल देखे हुए। तो निकी बोलती है, देखा मैंने बोला था ना ये लड़की है ही बदतमीज, हमेशा हम दोनों के बीच में ऐसे आ जाती है। तो उसकी निकी की बात वो नहीं सुनती, और प्रियंका के ऐसे इग्नोरेंस है ना उसका एकदम दिमाग खराब होता है। वो पैसा निकालती है और निकी को देती है और बोलती है, यार तो पानी पूरी वाले भैया को दे देना, छुट्टी मेरे को बाद में दे देना, मेरे को मेरा बस छोड़ने वाला है, मैं जा रही हूँ। ऐसे बोल के बाय 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 बोल के ऐसे बाहर निकल ऐसे भागने लगती है प्रियंका के पीछे। तो निकी बोलते, इस गरिमा की प्रॉब्लम क्या है, वो इसको थोड़ा सा भी भाव नहीं देती और उसके पीछे जाती है। मेरा प्यार दिखता नहीं है क्या, इसको अंधी है क्या ये, और बस बस कहाँ छूट रहे, सारे बच्चे तो बाहर है और इसके बस छूट रहे। ऐसे बोल के वो पानी पूरी वाले भैया को एकदम गुस्से में पैसे देती है और वो अपने बस की तरफ जाने लगती है। प्रियंका एकदम पता होता है गरिमा उसके पीछे पीछे आएगी, इसीलिए मस्त एटीट्यूड के साथ एक स्माइल लेती है वो सीमा को, और बाय बोल के अपने बस की तरफ जाती है। तो गरिमा उसके पीछे पीछे भागते हुए आती है और बोलती है आते हुए बोलती है, तुमको पानी पूरी पसंद नहीं है, तुमने नहीं खाया पानी पूरी? तो एकदम प्रियंका एटीट्यूड के साथ बोलती है, वो मेरा मन नहीं था और मेरे को बस टेस्ट करना था इसलिए मैंने खा लिया तुमसे। तो प्रियंका को गरिमा बोलती है कि और खा लेती है ना, इतनी इतनी जल्दी क्या थी आने की? तो प्रियंका बोलती है, मेरा मूड नहीं था, हटो तुम तो इतनी हाफती हुई क्यों आ रही, तुम तो अपने फ्रेंड्स के साथ थी ना, पानी पूरी खाती मजे से। तो गरिमा बोलती है, वो तो मैंने खा लिया। तो प्रियंका बोलती है, अच्छा बेटा खा लिया यार, मेरे को जलसी करना और हो गया। इस फूल को स्माइल करती है और बस की तरफ जाती है, और ना वो आज गरिमा के पास ना बैठ के वो जानबूझ के उसके पीछे वाली सीट में बैठती है जहाँ पे पहले से एक लड़की बैठी हुई होती है। तो इतना ना गरिमा जैसे ही जाती है बस में देखती है कि वो लोग जो सीट में बैठते हैं ना वो सीट खाली है। तो वो प्रियंका को बोलती है, अरे तुम भूल रही हो हम आगे वाली सीट में बैठते थे। तो प्रियंका बोलती है, आज मेरा पीछे बैठने का मन है, तुम आगे बैठ जाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रियंका को एकदम गुस्से में देखते हैं बोलते, तुम आगे आओ बैठने के। तो प्रियंका बोलती है, क्यों तुम्हारी मर्जी मैं क्यों मानू, तुम हो कौन मेरी जो मैं तुम्हारी मर्जी मानू। तो प्रियंका गरिमा बोलती है, तुम मेरी दोस्त हो? तो फिर गरिमा को हंसते हुए प्रियंका बोलती है, तो ये भी मेरी फ्रेंड है ना स्वीटहार्ट, हम दोनों फ्रेंड है, हम दोनों सेम स्कूल से हैं, तो हम दोनों फ्रेंड ही है। तो जैसे ही उसके मुंह से किसी और के लिए स्वीटहार्ट सुनती है ना गरिमा का एकदम खून खोल जाता है, और वो जाती है और बस में बैठ जाती है विंडो सीट पे। उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो प्रियंका पीछे बैठे बैठे सोचती है, यार मैंने कुछ ज़्यादा ही कर लिया क्या, अब ये गुस्सा ना हो जाए, ऐसे बोल के वो सोचने लगती है। और बिना कुछ बोले ही वो आके ना उनको प्रियंका गरिमा के पास आके बैठ जाती है। और जैसे ही बैठती है ना अचानक से जैसे गरिमा को प्रियंका अपने पास फील होती है ना, उसकी फेस एकदम स्माइल हो जाती है, बट नखरे दिखाने के लिए गरिमा दूसरे तरफ मुंह करती है। तो प्रियंका बोलती है, यार मैंने कुछ ज़्यादा ही इसको तो टीज नहीं कर दिया, अब ये कहीं गुस्सा ना हो जाए, ऐसे बोल के वो चुप चुप के गरिमा की तरफ देख रही होती है। गरिमा भी चुप चुप के देख रही होती है।
बट दोनों ही एक दूसरे को ना ऐसे दिखा रहे होते कि दोनों एक दूसरे के साथ गुस्से है। बस एकदम चलती है और घर की तरफ चली जाती है, दोनों घर तरफ ही पहुंच जाते हैं। और मतलब क्या होता है कि मतलब पहले प्रियंका उतर जाती है और वो गरिमा को वेट करती है, गरिमा भी बस से उतर जाती है और वो प्रियंका की तरफ देखते हुए बोलती है, क्यों तुम्हारी वो जो बेस्ट वाली स्वीट हार्ट वाली फ्रेंड वो तुम्हारे साथ नहीं आई? तो प्रियंका बोलती है, हाँ मेरे घर तक आएगी ना, मेरी घर वाली है। तो गरिमा बोलती है, कुछ भी बोल रही हो? तो प्रियंका बोलती है, मैंने क्या बोला? तो गरिमा बोलती है, छोड़ो तुमको ना कुछ बोलना ही बेकार है। ऐसे बोल के ना आगे आगे जाती है और खुद ही से बड़बड़ा रही थी, किसको क्या बोलना चाहिए, इसको अकल नहीं है, स्वीट हार्ट बोल रही, घर वाली बोल रही है इसकी, तो इसको मैं नहीं बात करती इससे, पता है मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता, बट उसको कैसे पता होगा कि मुझसे प्यार करती हूँ? वो तो मुझसे प्यार करती है ना, तो मेरे अलावा किसी और को स्वीट हार्ट कैसे बोल सकती है? ऐसे बड़बड़ाते बड़बड़ाते वो आगे आगे जा रही होती है, प्रियंका भी उसके पीछे पीछे जा रही होती है, तो उसकी हल्की हल्की आवाज़ ऐसे आ रही होती है। तो प्रियंका सोचती है, यार मैंने कुछ ज़्यादा ही नहीं कर दिया क्या, जलसी करवाने के चक्कर में इसको मैंने गुस्सा तो नहीं दिलवा दिया ना, अब ये मुझसे गुस्सा ना हो जाए, कि ये मुझसे बात ना करे, कि ऐसे सोच के वो उसके पीछे पीछे जा रही होती है। और वो गरिमा को रोकने की कोशिश करती है, वो बोलती है, गरिमा, तो गरिमा बोलती है, अब क्यों आ रही हो मेरे पीछे, जाओ ना उसके पीछे। तो प्रियंका बोलती है, यार मेरा घर इधर है तो मैं इधर ही आऊंगी ना। तो प्रियंका को गरिमा बोलती है, ओके फाइन तुम आगे चलो मैं पीछे चल रही हूँ, ऐसे बोल के उसको आगे बोल देती है। तो प्रियंका बोलती है, यार मेरी स्पीड के हिसाब से चलूंगी ना, तुम्हारी मर्जी से थोड़ी ना चलूंगी। तो गरिमा बोलती है, ठीक है मैं स्लो चल लेती हूँ, तुम आगे चल लो। तो प्रियंका बोलती है, यार ये कोई बात है, साथ पे तो चल सकते हैं। तो गरिमा बोलती है, मेरा मन नहीं है ना तुम्हारे साथ चलने को। तो प्रियंका बोलती है, ये क्या एटीट्यूड है यार, तुम मैं कुछ बोल नहीं रही हो तो तुम मुझसे ऐसे बात करोगी? तो गरिमा बोलती है, हाँ मेरी मर्जी, मेरा एटीट्यूड, मैं जैसे मर्जी ऐसे बात करूंगी। तो प्रियंका बोलती है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने की, ऐसे बोल के उसको भी बड़ा गुस्सा आ जाता है। और वो खुद ही में सोचती है, यार मतलब क्या मैं लड़ाई करती हूँ तो मतलब इसकी हर बात सुनूंगी क्या, समझती क्या है खुद को ये? हाँ ऐसे बोल के ना वो एक उसका भी दिमाग खराब होता है, ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते और घर चले जाते हैं। घर जाके भी ना मतलब बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तो दोनों ही अपने मैसेज मतलब फोन चेक कर रहे होते हैं कि वो सॉरी बोलेगी, वो सॉरी बोलेगी। तो करीमा सोचती है, यार वो सॉरी क्यों नहीं बोल रही है, बट चिल्लाया तो मैंने उसके ऊपर था, तो मैं कि मुझे सॉरी बोलना चाहिए यार, कहीं वो मुझसे गुस्सा ना हो जाए, वो मुझसे बात करना बंद ही ना कर दे। फिर दूसरी पल सोचती, नहीं वो तो मुझसे प्यार करती है, मुझसे बात करना क्यों मन करेगी, वो ही मेरे को सॉरी बोलेगी, मुझे कुछ नहीं पता। फिर सोचती है, यार गलती तो बट मेरी थी ना, मैं ही उस पर चिल्लाई, उसने तो कुछ किया नहीं, उसने कैसे कुछ नहीं किया, मेरे सामने किसी और को स्वीट हार्ट कैसे बोल सकती है, वो ऐसे सोच रही होती है। और दूसरी तरफ प्रियंका सोचती है, देखो एटीट्यूड देखो, अब मतलब सॉरी भी मैं बोलूँ उसको, मैं नहीं बोल, नहीं बात करी है तो नहीं बात करिए, ठीक है मैं नहीं बात करती, ऐसे बोल के ना वो कॉलोनी में घूमने निकलती है। वो देखती है गरिमा के घर के तरफ, गरिमा होती ही नहीं घर की, भी गरिमा तो हमेशा अपने घर पे पड़ी रहती है। प्रियंका सोचती है उसके घर पे चली जाओ, फिर सोचती है नहीं, आज अगर मैं चली गई ना उसका फिर से घमंड बढ़ जाएगा और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करेगी। वो आके फिर से टीवी देखने लगती है, अपनी मम्मी को किचन में हेल्प करने जाती है, उसकी मम्मी ये देख के शॉक हो जाती है, बोलती बेटा तुम मेरे को हेल्प करने आई हो? तो प्रियंका बोलती, तो क्या हो गया मम्मा, कभी कभी तो हेल्प करना चाहिए ना अपनी मम्मी को, आई लव यू, मुझे आपके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है, अब मुझे चलो हेल्प करने दो, ऐसे बोल के वो कुकिंग में खुद को बिजी करती है। प्रियंका की माँ तो एकदम खुश हो जाती है। इसे करते करते ना रात हो जाता है, ना गरिमा प्रियंका को एक टेक्स्ट करती है, ना प्रियंका गरिमा को एक भी टेक्स्ट करती है, पूरा एकदम शाम वैसे ही कट जाता है और रात हो जाती है। दोनों को ही नींद नहीं आ रही होती, दोनों एक एक बार ना एकदम एक दूसरे को देख रहे होते, तो गरिमा से रहा नहीं जाता, वो मैसेज भेजती है, हेलो जाग रही हो क्या? तो जैसे ही गरिमा का मैसेज प्रियंका देखती है ना, उसका दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है, वो तुरंत से मैसेज करती है, बोलो। गरिमा मैसेज करती है, गुस्सा हो गया? तो प्रियंका बोलती है, मैं क्यों हूँ? तो प्रियंका की बात सुन के गरिमा बोलती है, मैं निकी को अपने हाथ से खिला रही थी इसलिए गुस्सा हो, नाराज़ हो मुझसे, आई एम सॉरी। तो प्रियंका बोलती है, तुम निकी को खिलाओ या तुम किसी और को खिलाओ, मुझे क्यों गुस्सा होएगा, तुम जिसको खिलाओ, तुम जिसको लाइक करती हो करो, मुझे उससे क्या, ऐसे जानबूझ के बोलती है। तो प्रियंका की बात सुन के गरिमा को ऐसा लगता है, यार लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रियंका को निकी गरिमा बोलती है, वो आई एम सॉरी ना, वो मेरे को समझ नहीं आया, मैंने ऐसे ही कर दिया बस तुमको दिखाने के लिए। तो जैसे ही गरिमा ये बात बोलती है ना, प्रियंका को पता होता है कि गरिमा उसी को दिखाने के लिए ऐसे कर रही थी। तो गरिमा बोलती है, अच्छा मुझे दिखाने के लिए क्यों किया? तो प्रियंका बोलती है, मुझे दिखाने के लिए क्यों किया? तो गरिमा बोलती है, वो उसको समझ नहीं आता कि अब उसको क्या रिप्लाई दो, तो कुछ देर नहीं रिप्लाई देती। तो प्रियंका बोलती है, बोलो मुझे क्यों दिखाना है तुमको, तुमको क्या लगता है? तो गरिमा बोलती है, आई थिंक यू
लाइक मी? तो प्रियंका बोलती, अच्छा आई लाइक, हाँ आई लाइक यू। तो ये बात जैसे ही गरिमा सुनती है एकदम खुश हो जाती है, एकदम वो नाचने लगती है और बोलती है, सच में यू लाइक मी? तो गरिमा प्रियंका बोलती है, हाँ आई लाइक यू, मैं तुमको क्यों नफरत करूँगी, तुमको लाइक करती हूँ, हाँ आई लाइक यू। तो प्रियंका की बात सुन के गरिमा एकदम खुश हो जाती है, मतलब वो लाइक यू वाला लाइक यू। तो प्रियंका बोलती है, लाइक यू वाला लाइक यू क्या होता है, लाइक तो लाइक ही होता है, तुम जैसे मुझे लाइक करती हो, मैं जैसे सीमा को लाइक करती हूँ, तुम जैसे निकी को लाइक करती हो, वैसे ऐसे सेम लाइक करती हूँ। तो फिर से गरिमा का मुँह उतर जाता है और प्रियंका ये मैसेज भेजने के बाद उसको एक अचीवमेंट वाली फीलिंग्स आती है, बोलती है, हाय मेरा काम तो हो गया, आग लगा दी है मैंने, अब मुझे जला रहे थे ना, अब खुद जलो। ऐसे बोल के रिप्लाई करती है, गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है, ऐसे बोल के ना वो फोन रख देती है। प्रियंका की बात सुन के ना गरिमा बोलती है, अरे सुनो तो बात करनी है तुमसे। तो गरिमा बोलते, मुझे बहुत नींद आ रही है, आई एम सो स्लीपी, मैं बहुत थकी हूँ, वो क्या है ना मैं घूमने गई थी ना शाम को, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ। तो प्रियंका की बात सुन के बोलती है गरिमा, तुम घूमने गई थी, मुझे क्यों नहीं बुलाई? तो प्रियंका बोलती, क्यों, तुम तो मुझसे गुस्सा थे ना, तो मैं क्यों तुमको बुलाऊँ, मैंने इसलिए नहीं बुला, अपने फ्रेंड्स के साथ घूम लिया, चलो अब मैं बहुत थक गई हूँ, गुड नाइट, ऐसे बोल के सोने चली जाती है। और हाँ, तुम किसी को भी अपने साथ खिलाओ, किसी को भी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसे बोल के ना वो एकदम गुस्सा वाला एकदम इमोजी भेजती है लास्ट में और गुड नाइट बोल देती है। तो प्रियंका की मैसेज देखे गरिमा को समझ नहीं आता, ये बोल रही है, इसको कोई दिक्कत भी नहीं है और इमोजी भी भेज रही है गुस्से वाला, मतलब इसके दिमाग में चल क्या रहा है, नहीं 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 तुम सो नहीं सकती, तुमको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, जबकि तुम मुझे लाइक करती हो, मुझे मुझे जहाँ तक पता है तो यू डेफिनेटली लाइक मी, बट तुम ऐसे रिएक्शन दे रही हो जैसे तुमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसे नहीं हो सकता गरिमा, तेरी प्लान फेल नहीं हो सकती, तो तुझे जेलस करवाने के लिए कर रही थी कहीं, कि उसको ऐसा तो नहीं लगता है कि मैं निकी को लाइक करती हूँ, बट मैं तो उसको लाइक करती हूँ, बट वो समझती है कि मैं निकी को लाइक करती हूँ। नहीं 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 ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्या हो गया, नहीं 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 मुझे उसको एक्सप्लेन करना होगा, ऐसे करके वो कॉल करती है। तो गरिमा की कॉल प्रियंका देखती है बट वो फ़ोन साइलेंट कर देती है, जैसे मुझे गरिमा ली थी एक बार उस चीज़ का प्रियंका एकदम फुलन बदला लेती, बोलती, अच्छा बच्चों उस दिन मेरी नींद ख़राब की थी ना, अब तुम्हारी नींद ख़राब हो, अब मैं देखती हूँ, अब तुमको पता चलेगा मुझे तंग करते थे ना कैसा लगता था, अब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ऐसे बोल के वो उसके कॉल को इग्नोर कर रही होती है। गरिमा मैसेज करती है, अरे मुझे तुमसे क्लियर करना है, मैं निकी को लाइक नहीं करती। तो ये सारी मैसेज प्रियंका शो कर रही होती है, उसको नोटिफिकेशन में शो हो रही होती है और पढ़ रही होती है, मैसेज ओपन नहीं कर रही होती, बट वो मैसेज को ओपन भी नहीं करती और ना ही गरिमा को रिप्लाई देती है। गरिमा खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, सुनो कुछ तो रिप्लाई तो सो गई क्या, ऐसे बोल के वो बार बार मैसेज कर रही होती है और मतलब सोच रही होती है कि यार लगता है हम दोनों के बीच में गलतफहमी हो गई, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे 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 प्रियंका को बताना होगा कि मैं उसको लाइक करती हूँ निकी को नहीं, लगता है सॉलिड गलतफहमी होगी यार, मैं जेलसी करने के चक्कर में मैंने ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया यार मुझसे, अब वो कैसे रिएक्ट करेगी, वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, वो कहीं ये ना सोचती हो कि मैं निकी को लाइक करती हूँ बट मैं तो उसको लाइक करती हूँ, बट वो कैसे सोच सकती है मैं किसी और को लाइक कर सकती हूँ, मुझे नहीं 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 मुझे मुझे कल सुबह जैसे भी करके तो उसको ये चीज़ बतानी होगी कि मैं उसको लाइक करती हूँ। नहीं 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 गरिमा, ऐसे अगर तू सोचती रही ना, ऐसे ऐसे भाव खाती रही तो नहीं होगा, तेरे को ही पहला कदम उठाना पड़ेगा, तू उससे प्यार करती ना, तेरे को पता है वो भी तुझसे प्यार करती है, और एक ये दोस्ती वाला नाटक में खेली वो ज़्यादा दिन ना, तो मुझे कहीं प्रियंका को कोई और ले जाएगा यार, वैसे भी वो इतनी सुंदर है, वो उसको कोई और पसंद आ गई तो मेरा क्या होगा, नहीं 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 मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, मैं अभी कॉल करके उसको अलग भी बोलूँ, बट वो तो कॉल भी नहीं उठा रही, क्या मैं उसके घर चली जाऊँ, नहीं 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 आंटी मेरे को मार डालेगी यार, बट मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, ऐसे बोल के वो कमरे में इधर उधर टहल रही होती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता, सुबह तक का भी इंतजार नहीं होता, वो दिल में ठान ली होती कि अगले दिन वो प्रियंका को जैसे भी करके प्रपोज कर लेगी, वो उसको बताया कि वो निकी को नहीं उसको लाइक करती और सारी गलतफहमी दूर करेगी। गरिमा ये पूरी रात ना इधर से उधर टहल रही होती है और सोच रही होती है, हाँ मैं निकी को मैं सारी बात क्लियर कर दूंगी, मैं निकी को नहीं प्रियंका को प्यार करती हूँ, मैं प्रियंका से प्यार करती हूँ, बट मैं उसको कैसे बोलूँगी, मैं ऐसे क्या क्या करूँ, जो क्या करूँ मैं उसको कैसे बोलूँगी, ऐसे सोच रही होती, फिर गूगल में बहुत सारे आइडिया चेक करती है, हाउ टू प्रपोज योर गर्लफ्रेंड, हाउ टू
ऐसे इम्प्रेस योर गर्लफ्रेंड, ऐसे बहुत सारे आइडियाज स्क्रॉल करती है, कैसे प्रपोज करना है, कैसे सारा करना है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देख रही होती है, उसको इतनी सारी वीडियो देखे उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है वो कैसे प्रपोज करे, और वो तय करती है कि वो खुद से कुछ लिखेगी और उसको बोलेगी या उसको लिख के प्रपोज करेगी, वो सोचती है कि उसको बोल कर प्रपोज करे बट उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही होती है उसको बोल के प्रपोज करने के लिए, और वो सोच रही होती है क्या मैं लिख के प्रपोज करूँ बट वो मेरा लेटर उसको कैसे पहुँचाऊंगी, फिर सोचती है यार कैसे ना कैसे तो पहुँचा दूंगी, मुझे जैसे भी करके प्रियंका को प्रपोज करना ही पड़ेगा, मुझे अपने दिल की बात उसको बोलनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसे ही सोच के ना पूरी रात ही सोच रही होती है और उसको नींद ही नहीं आ रही होती कि क्या लिखे लेटर में, कैसे उसको प्रपोज करे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है, क्या गरिमा प्रियंका को प्रपोज कर दे कि अपनी हाले दिल बयान कर देती है, और क्या प्रियंका गरिमा के फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती है, जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल में, और आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कॉमेंट, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है कृपया मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है जिनको नहीं पता मेरा और भी एक चैनल है न्यू विजन, प्लीज़ मेरे चैनल पे उस चैनल मेंशन है जाके उस चैनल में भी एक बार विजिट कर दीजिएगा, प्लीज़ 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 मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए यार, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, मेरे लिए एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते, जाके वहाँ पे भी वीडियो देखिए और अब मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए, टाटा बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।